हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदिनी किचन। नंदिनी किचन में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाया फ्रेंड्स फ्रूट कस्टर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे फ्रूट्स डाला है, कस्टर्ड बनाया है। कस्टर्ड आप सभी को पता है कितनी टेस्टी लगती है और हेल्दी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। दूध से बनी होती है ये, तो बच्चों को आप बिल्कुल बेझिझक दे सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे फ्रूट्स मिलाकर बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। आप एज अ डिज़र्ट लंच में, डिनर में इसे बनाकर सर्व करिए, ये हर किसी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक भगोने मैंने दूध लिया है, ये करीब आधा लीटर दूध है। इसे हम रखेंगे गैस पे बॉयल होने के लिए। दूध मैंने गैस पे रख दिया है बॉयल होने के लिए। आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं या फिर बॉयल्ड दूध भी ले सकते हैं, क्योंकि इसे हमें एक बार उबालना है। तो चलिए दूध को उबलने देते हैं। जब तक दूध बॉयल हो रहा है, आप लीजिए एक कटोरी और कस्टर्ड पाउडर। मैंने ये मार्केट वाला कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ है। इस कस्टर्ड पाउडर का 2 बड़े चम्मच हमें इसमें लेना है। 2 बड़े चम्मच मैंने ये कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये वनीला फ्लेवर है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, उसी मिल्क में से मैंने 2 बड़े चम्मच मिल्क ये बॉयल होने से पहले ही निकाल लिए थे। थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। ये देखिए पेस्ट मैंने बनाकर रेडी कर लिया कुछ इस तरीके से। कस्टर्ड का घोल हमारा रेडी हो गया है, इसे रखते हैं साइड में और तब तक लेते हैं फ्रूट्स। ये फ्रूट्स मेरे पास अभी घर में अवेलेबल थे। आपके पास जो हो, आपको जो पसंद हो, जो डालना चाहें कस्टर्ड में, उसे डालकर कस्टर्ड बना सकते हैं। आप इसमें बनाना और ग्रेप्स भी ऐड कर सकते हैं, पपाया ऐड कर सकते हैं, पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी घर में जो अवेलेबल थे वो मैंने ले लिए हैं। अनार है, सेब है, आम है, लीची है। इन सभी को अच्छे से धोकर साफ़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रेडी कर लेते हैं। आप फल की क्वांटिटी अपने अनुसार डाल सकते हैं। आपको जितना पसंद हो आप उतना ही, जो पसंद हो उतना ही ऐड करिएगा। चलिए इसे फटाफट काट कर रेडी कर लेते हैं, जब तक दूध भी बॉयल हो जाएगा। दूध में उबाल आना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से उबलना शुरू हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। मैं इसमें करीब 6 बड़े चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। आप एक बार चीनी डालने के बाद इसे जब ये घुल जाए 1 मिनट में, तब आप टेस्ट करके मीठा बढ़ा सकते हैं। आपको लगे कि अगर कम मीठा है या ज़्यादा है तो आप उसी अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर गलती से ज़्यादा मीठा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिए, और घर में दूध बॉयल पड़ा हुआ होगा उसको ऐड कर दीजिए, तो इसकी मिठास जो है वो बैलेंस हो जाएगी। चीनी डालने के बाद आप इसे 1 मिनट के लिए और बॉयल कर लीजिए। चीनी अच्छे से उबल चुकी है, दूध भी यहाँ अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट तैयार किया था कस्टर्ड पाउडर का, वो इसे धीरे धीरे आप इसमें ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा इसे पका लेंगे ताकि ये अच्छे से ठीक हो जाए। 1.5 से 2 मिनट हुए हैं इसको उबलते हुए, ये देखिए बहुत अच्छे से उबल चुका है। अब हम गैस को कर देंगे बंद। इससे ज़्यादा और इसे नहीं पकाएंगे, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये और भी ठीक हो जाएगी, और इसे इसी तरीके से ठंडा होने देंगे। जब तक ये पूरी तरीके से ठंडी नहीं हो जाती, आप इसमें फ्रूट्स को ऐड मत करिएगा, वरना वो काली पड़ जाएंगी और कुक्ड हो जाएंगी। तो इसे पूरी तरीके से ठंडी हो जाने दीजिए, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो भी। ये लीजिए फ्रेंड्स, कस्टर्ड हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, और देख सकते हैं आप इसका ये कितना गाढ़ा है, कितना पतला है। इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से है। अब मैं इसे सर्व करती हूँ बाउल में। यहाँ पे मैंने फ्रूट्स भी कट करके रख लिए हैं, सेब, आम, अनार और लीची। आप फ्रूट्स को सभी कस्टर्ड में मिलाकर फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी चाहे ठंडा ठंडा सर्व करिए, या फिर आप इसी तरीके से बाउल रख दीजिए फ्रिज में, और जब भी खाना हो जिसको चाहिए आप इस तरीके से सर्व करिए। थोड़े से कटे हुए फ्रूट्स मिक्स कर दीजिए। ऐसे करने से जो फ्रूट्स हैं, अगर आप पूरे मिक्स करके रखते हैं तो कुछ फ्रूट्स जो हैं काले हो जाएंगे। आप अगर फ्रेश फ्रूट्स काट कर डालते हैं तो फिर इस तरीके से ज़्यादा बेटर रहता है, वो काले नहीं पड़ेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप बनाना यूज़ करें, बनाना तुरंत फ्रेश डालें। अगर आप इसमें कट करके पहले से डाल देंगे तो वो
बिल्कुल काले पड़ जाएंगे, इसलिए आप बनाना को कभी भी कस्टर्ड में ऐड करके ना रखें। और थोड़ा सा मैं इसमें लास्ट में ऐड कर रही हूँ टूटी फ्रूटी, जो बच्चों को बहुत पसंद होती है और ये इससे देखने में भी थोड़ा अट्रैक्टिव और कलरफुल अच्छी लगती है। हमारा कस्टर्ड बिल्कुल बनके रेडी हो गया है, आप इसे इंजॉय करिए। गर्मियों में ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है, बच्चों को आप इसे एज अ डेजर्ट बनाकर सर्व करिए लंच में, डिनर में। ये बड़ों को, बच्चों को, हर किसी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिएगा, और उससे भी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।